अपर जिलाधिकारी नगर रजनीश चंद्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रतिबंधित पॉलीथीन के प्रयोग को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यवाही की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रतिबंधित पॉलीथीन के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय एवं प्रयोग दंडनीय अपराध है। विदाई अनुभाग से निर्गत संशोधित अधिसूचना 15 जुलाई से नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका या राज्य की औद्योगिक नगरी में आने वाले क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा इससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या ना हो के उपयोग विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से बैन किया गया है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए लोगों से प्लास्टिक के प्रयोग ना करने के लिए जागरूकता भी किया जाए। साथ ही पूरे जनपद में प्रवर्तक कार्य के लिए लगभग 80 लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखपाल आदि शामिल हैं। अपर जिलाधिकारी नगर रजनीश चंद्र ने बताया कि अधिसूचना जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियंता, वैज्ञानिक सहायक निदेशक पर्यावरण, खाद्य एवं सुरक्षा निरीक्षण के अलावा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियंता और उसके ऊपर के अधिकारियों के श्रेणी के समस्त अधिकारी के अधिकारी प्रबंधक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठित श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तुओं हेतु 100 ग्राम तक 1000 रुपए, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 2000 रुपए, 501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक 5000 रुपए, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक 10000 रुपए एवं 5 किलोग्राम से अधिक होने पर 25000 रुपए तक तथा किसी संस्था, वाणिज्य प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों, होटलों, मिष्ठान दुकानों, ढाबों आदि के द्वारा सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों आदि वन क्षेत्रों में, सार्वजनिक पार्कों, सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक अवशिष्ट के फेंकने पर 25000 के जुर्माने का प्राविधान है। इसी प्रकार किसी व्यक्तियों द्वारा किसी निजी या वाणिज्य प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों, होटलों, मिष्ठानों, दुकानों, ढाबों आदि के द्वारा सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों आदि वन क्षेत्रों में, सार्वजनिक पार्कों, पार्किंग, सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक अवशिष्ट के फेंकने पर 1000 के जुर्माने का प्रावधान है। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।